यूट्यूबर अरमान मलिक, जिनकी दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक हैं, लेकिन कुल मिलाकर तीन शादियां वो अब तक कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली पत्नी सुमित्रा है, जिससे दावा ये किया जाता है कि 17 साल के थे संदीप, यानी कि अरमान मलिक, संदीप उनका असली नाम है, और उसी वक्त घरवालों ने जबरन सुमित्रा नाम की लड़की से उनकी शादी कर दी थी। शादी के कुछ वक्त बाद दोनों के बीच में नहीं बनी और फिर दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। इस डिवोर्स के बाद में पायल से पहली शादी, लेकिन पायल के रहते हुए ही उनकी अपनी सबसे अच्छी दोस्त कृतिका से दूसरी शादी कर ली थी। अब खबरें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं चौथी शादी को लेकर। लक्ष्य नाम की लड़की, जो कि पिछले 3 साल से अरमान मलिक के घर में रहती हैं, उनके बच्चों की केयर टेकर हैं, उनके बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करते हैं। लक्ष्य के साथ अरमान मलिक की ये फोटो जो करवा चौथ के दिन से अब तक खूब सोशल मीडिया पर वायरल है, इस दावे के साथ में कि लक्ष्य और अरमान मलिक की शादी हो गई है। इस पिक्चर को आप देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि कोई नया नवेला सा जोड़ा है, जिस तरीके से तैयार हुए हैं, जिस तरीके से मेहंदी लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह कि लक्ष्य के हाथों में जो मेहंदी है उसमें नाम संदीप का लिखा हुआ है, जो अरमान मलिक का असली नाम है। अब ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल करने लगे कि अरमान मलिक, कहीं तो आप रुक जाइए, आपने पहली शादी सुमित्रा से की, दूसरी पायल मलिक से की, तीसरी कृतिका मलिक से की, और चौथी लक्ष्य के साथ में आपका जुड़ाव हो गया, यानी कि आपकी शादी की चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही हैं। ऐसे में पूरी फैमिली अपसेट नजर आ रही है इन खबरों के बाद, और एक एक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने वीडियोज में सफाई देनी पड़ रही है कि ऐसा कुछ है नहीं। पायल मलिक ब्लॉग बनाती हैं और बताती हैं कि लक्ष्य के साथ शादी की खबरें झूठी हैं। पायल मलिक कहती हैं कि वो बेवकूफ नहीं है कि पूरी जिंदगी ये सब देखती रहे। पायल मलिक के रहते हुए कृतिका से शादी हो गई, अब पायल कृतिका मौजूदा पत्नी है, इन दोनों के रहते हुए लक्ष्य से शादी नहीं हो सकती। पायल इस बात को थोड़ा सा गुस्से में सोशल मीडिया यूजर्स तक पहुंचाती हैं। फिर संदीप को, यानी कि अरमान मलिक को भी सफाई देने आना पड़ता है, और वो कहते हैं कि हो सकता है उसका, यानी कि लक्ष्य का कोई अपना खास हो जिसका नाम संदीप हो, जो कि मेरा भी रियल नेम है, और उसने अगर हाथों पे संदीप नाम की मेहंदी लगा ली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे नाम की मेहंदी है। हो सकता है उसका होने वाला पति हो या फिर हो चुका पति हो जिसके नाम की मेहंदी उसने लगाई हो और इस बारे में वो किसी से बात ना करनी चाहती हो। अब ऐसे में लेटेस्ट एक वीडियो में कृतिका मलिक, जो कि उनकी मौजूदा दूसरी पत्नी है, यानी कि कुल मिलाकर तो तीसरी पत्नी है, कृतिका मलिक को भी ये कहना पड़ा कि भाई अरमान मलिक, यानी कि जो उनके पति हैं, उनका नाम ऐसे ही आप किसी के साथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में हम सिर्फ दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक हैं और हम ही हमेशा रहेंगे। अब कोई स्कोप नहीं है कि आगे कोई शादी हो, इसीलिए आप किसी भी तरीके से किसी और लेडी के साथ में उनका नाम मत जोड़िए, हमें अच्छा नहीं लगता। इस वीडियो में कृतिका मलिक बोल रही है, लेकिन पायल मलिक भी साथ में गाड़ी में बैठी हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं लक्ष्य के साथ नाम जुड़ने को लेकर। और इसी बीच एंट्री हो गई है एक ऑडियो मैसेज की भी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, क्योंकि अरमान मलिक ने की हैं अब तक कुल 3 शादियां, पहली सुमित्रा, दूसरी पायल और तीसरी कृतिका मलिक से, कुल मिलाकर 4 बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर नजर भी आते हैं। लेकिन दावा यह है कि अरमान मलिक के 4 नहीं, असल में 6 बच्चे हैं, क्योंकि वो जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो सुमित्रा नाम की उस महिला का बताया जा रहा है जिससे पहली शादी हुई थी। सुमित्रा कह रही है, मैं बहुत तंगहाली में जी रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है अपने बच्चे पालने के लिए भी, और मेरे 2 बच्चे हैं, और दावा ये कि ये बच्चे अरमान मलिक के हैं, यानी कि कुल मिलाकर अरमान मलिक के 4 नहीं बल्कि 6 बच्चे हैं। यानी कि अरमान मलिक एक बार फिर से गलत चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, गलत खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और अरमान मलिक और उनके पूरी फैमिली को अब रह रहकर सफाइयां देनी पड़ रही हैं। अरमान मलिक की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी हुई है, वो बिग बॉस OTT पर भी पहुंचे और अपनी 2 शादियों, यानी 2 पत्नियों को लेकर चर्चा में रहे। अब ये लेटेस्ट अपडेट उनकी केयर टेकर, यानी कि बच्चों की केयर टेकर लक्ष्य से शादी को लेकर है। आप इस खबर को लेकर या फिर इस पूरी फैमिली के सिचुएशन को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।